आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। इस फेज में 9 जिलों की 59 सीटों पर 624 प्रत्याशी मैदान में सुबह से ही सभी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो वहीं लखनऊ में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपने मतदान किया। बड़ी खबर सामने आ रही है, दिनेश शर्मा परिवार के साथ करने पहुंचे मतदान। ऐशबाग के रस्तोगी इंटर कॉलेज बूथ पर किया मतदान। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया मतदान। सुबह से ही सभी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आज 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहे हैं चौथे चरण में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी, और लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपने मत का किया प्रयोग। लखनऊ में बच्चों ने की वोट डालने की अपील। बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, स्कूली बच्चों ने लोगों को किया जागरूक। बच्चों ने कहा वोट डालना अपना अधिकार। बच्चों ने विधानसभा मलिहाबाद क्षेत्र में किया अपील। लखनऊ में बच्चों ने की वोट डालने की अपील। बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, स्कूली बच्चों ने लोगों को किया जागरूक। बच्चों ने कहा वोट डालना अपना अधिकार। बच्चों ने विधानसभा मलिहाबाद क्षेत्र में की अपील। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने किया ट्वीट। बड़ी खबर सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी ने लगाया आरोप। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चौथे चरण का चुनाव है तो वहीं समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है, एजेंटों को बूथ से बाहर निकालने का लगाया आरोप। सपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने किया ट्वीट। बड़ी खबर सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी ने लगाया आरोप, एजेंटों को बूथ से बाहर निकालने का लगाया आरोप। सपा ने चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी ने किया ट्वीट, समाजवादी पार्टी ने लगाया आरोप, एजेंटों को बूथ से बाहर निकालने का लगाया आरोप। सपा ने चुनाव आयोग से कार्यवाही की अपील। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, तस्वीरें देख सकते हैं आप, उन्नाव, लखीमपुर, लखनऊ, सीतापुर, फतेहपुर, सभी जगह आज चुनाव है। और ऐसे में तस्वीरें सामने आ रही है मतदान की, जहां लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी अपने मत का प्रयोग किया, मतदान किया। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें उन्नाव, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सीतापुर, फतेहपुर तमाम जगह शामिल है। और ऐसे में मायावती ने अपने मत का प्रयोग किया है, मायावती ने मतदान केंद्र जाके मतदान किया। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी मतदान किया है। सभी जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज महत्वपूर्ण दिन है, चौथे चरण का मतदान है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, उन्नाव, लखीमपुर, लखनऊ, फतेहपुर, सीतापुर, सभी जगह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं जहां डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मतदान किया, मायावती ने मतदान किया, तो वहीं जिलाधिकारी ने भी मतदान किया है। और जिलाधिकारी ने मतदान करने के बाद जनता से क्या कुछ अपील करी है, आपको सुना दे। पहले मतदान फिर जलपान, तो आज मेरे घर में अब जाके जलपान भी मिलेगा, तो इस प्रण को हम लोगों ने पूरा भी किया है। और मैं आपके माध्यम से और सभी को यही अपील करूंगा, सभी सम्मानित मतदाताओं को, कि इस बार रिकॉर्ड मतदान करना है। ये हम सभी लोगों का अधिकार भी और कर्तव्य भी है कि हम जरूर आएं और मतदान करें और लखनऊ को इस बार पूरे देश में वोटिंग परसेंट का रिकॉर्ड भी बनाएं। एक प्रशासनिक जिम्मेदारी भी आपकी है, स्टीय स्तरीय व्यवस्था, कंट्रोल रूम के भी हमारा सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट परिसर में चल रहा है, जहां पे हर एक 9 विधानसभा की मॉनिटरिंग की जा रही है। 4062 बूथ है और सभी 4062 बूथों पर सकुशल निर्वाचन प्रारंभ भी हो चुका है, पोलिंग प्रारंभ हो चुका है। मतदाता उत्साहित भी हैं, हम लोग का जो मत वृक्ष है, पहले पुरुष और पहले महिला मतदाताओं ने हर बूथ पर जाकर के अपना मत वृक्ष भी लगाया हुआ है।
शुरू करी है जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने, और उन्होंने कहा था कि जो भी पहला महिला और पुरुष हर मतदान केंद्र पे मतदान करेंगे तो उनके द्वारा एक वृक्ष भी लगाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने आज जब अपने मत का प्रयोग किया तो उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि आज ये अपील करी जा रही है कि पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, अपने मत का प्रयोग समझे। साथ ही वृक्षारोपण भी करवाया गया है पहले पुरुष और पहले मतदाता महिला मतदाता से, और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की, रिकॉर्ड मतदान करने की अपील भी करी है जिलाधिकारी ने। अभिषेक प्रकाश ने अपने मतदान का प्रयोग करने के बाद जनता से अपील करी है कि रिकॉर्ड मतदान करें, अपने मत का महत्व समझे। और निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मदेव सिंह का भी बयान सामने आया है, उन्होंने क्या कुछ अपील करी है आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन में चौथे चरण की 59 विधानसभा क्षेत्रों में प्रातः 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 9.10% मतदान हुआ है। इसमें पीलीभीत जनपद में 10.64%, लखीमपुर खीरी में 10.43%, सीतापुर में 9.59%, हरदोई में 8.14%, उन्नाव में 9.26%, लखनऊ में 8.06%, रायबरेली में 8.03%, बांदा में 8.81% और फतेहपुर में 9.69% मतदान हुआ है। सभी जिलों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, और जहां कहीं इक्का दुक्का ईवीएम से संबंधित समस्याएं आई हैं उनको समय रहते रिप्लेस करा लिया गया है, कहीं कोई समस्या नहीं, और हर जगह पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से बहुत ही उत्साहजनक माहौल में और अच्छे ढंग से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। तो मतदान की प्रक्रिया के बारे में बताया है उप निर्वाचन अधिकारी ने कि अच्छे से प्रक्रिया चल रही है, और मतदान की अपील भी करी है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील करते हुए नजर आए हैं, और शांति व्यवस्था के साथ मतदान सुबह से ही चल रहा है। और आज 59 सीटों पर मतदान हो रहा है, चौथे चरण का मतदान है, 624 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, और आज इन 624 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोग पहुंच रहे, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, वो चाहे चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा हो या फिर प्रत्याशियों को द्वारा, सभी द्वारा लोगों को जागरूक किया गया है, और जागरूक करने के साथ ही वोट की अपील की गई है। और आज दिग्गजों ने अपने मत का प्रयोग किया है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजनाथ सिंह, मायावती, दिनेश शर्मा, मोहसिन रजा, पंकज सिंह, अमरेश कुमार, सभी ने अपने मत का प्रयोग किया है। सभी दिग्गज जो कि अभी तक प्रचार प्रसार में लगे हुए थे उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, मायावती बीएसपी अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम हैं, मोहसिन रजा राज्य मंत्री हैं, पंकज सिंह विधायक हैं, अमरेश कुमार रावत प्रत्याशी हैं, तो इन सभी ने अपनी अपने मत का प्रयोग किया है और जनता से वोट की अपील भी की है। सुबह सुबह सबने अपने मतदान केंद्र पर पहुंच कर मतदान किया, जनता से अपील की, और साथ ही साथ रिकॉर्ड मतदान की अपील करते हुए अपने मत का प्रयोग भी किया है। सभी अपने परिवार के साथ पहुंचे मतदान केंद्र और उन्होंने मतदान किया गया है, राजनाथ सिंह ने, मायावती ने, तो वहीं बाकी लोगों ने भी मतदान किया है, वो चाहे जनता हो या फिर जनप्रतिनिधियों, सभी ने मतदान किया है। चौथे चरण का चुनाव सुबह से ही जारी है, दिनेश शर्मा जो कि डिप्टी सीएम है उन्होंने भी, उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही है, उन्होंने मतदान किया, मायावती ने भी मतदान किया है, जनता से अपील करी है, आशुतोष टंडन जो कि बीजेपी से पूर्व के प्रत्याशी है उन्होंने भी मतदान किया, मोहसिन रजा राज्य मंत्री उन्होंने भी मतदान किया, पंकज सिंह जो कि विधायक है उन्होंने भी मतदान किया, अमरेश कुमार रावत जो कि प्रत्याशी है उन्होंने भी मतदान किया है, जनता से अपील करी है। आज 624 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी और उसके लिए सुबह से ही मतदान जारी है। और अगर बात करी जाए पिछले चुनाव की, यानी कि 2017 में हुए चुनावों की, और उसमें जो आंकड़े निकल कर सामने आए थे, और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बहुत ही ज्यादा अलग होने वाले हैं आंकड़े। पिछली बार 9 जिलों के 59 सीटों पर जो चुनाव हुआ था उसमें से बीजेपी का 50 सीटों पर कब्जा रहा, जबकि बीजेपी की सहयोगी अपना दल एसको 1 सीट मिली थी, इसके अलावा सपा
को चार, बसपा और कांग्रेस को दो दो सीटों से ही संतोष जताना पड़ा था और इस बार कुछ अलग समीकरण देखने को मिल रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मतदान करने पहुंचे, पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे राजनाथ सिंह, स्कॉलर होम स्कूल विपुल खंड गोमती नगर पर मतदान किया। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया मतदान, परिवार के साथ मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे, पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे राजनाथ सिंह, स्कॉलर होम स्कूल विपुल खंड गोमती नगर पर मतदान करने पहुंचे राजनाथ सिंह। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मतदान करने पहुंचे, पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे राजनाथ सिंह। 624 उम्मीदवार आज मैदान में हैं, चौथा चरण है। अवध क्षेत्र के रोहेल खंड में मतदान हो रहा है। बांदा की बात करी जाए तो वहां से कई दिग्गज उतारे गए हैं, फतेहपुर से कई दिग्गज उतारे गए हैं, लखीमपुर खीरी लखनऊ तमाम जगह। आज 9 जिलों की जिन 59 सीटों पर चुनाव होना है वहां पे कई बड़े प्रत्याशियों को उतारा गया है। पिछले चुनाव की बात करी जाए तो 2 सीटें मिली थी बसपा और कांग्रेस को, वहीं सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी, फतेहपुर में 6 सीटें जीती थी, 2 सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, 2 सीट पर बसपा का कब्जा था। सपा को भी अच्छी खासी सीटें मिली थी लेकिन सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पाले में गई थी क्योंकि उस बार के जो समीकरण थे वो बिल्कुल अलग थे। 9 जिलों की 59 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, सुबह से ही मतदान जारी है, लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, जागरूक हो गए हैं क्योंकि इतना उन्हें जागरूक किया गया है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, भाजपा प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने लगाया बड़ा आरोप, बड़ी खबर सामने आ रही है, सब इंस्पेक्टर पर सपा के पक्ष में मतदान करने का लगाया आरोप। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, सरोजनी नगर बूथ नंबर 464 पर भाजपा प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने लगाया बड़ा आरोप, सब इंस्पेक्टर पर सपा के पक्ष में मतदान करने का आरोप लगाया गया है। या फिर जो है आज भी इस तरह की शिकायत सामने आई है जहां पे एजेंट मौजूद होने की बात कही गई है कि मतदान केंद्र पे एजेंट मौजूद है, उन्हें बाहर निकाला जाए, इस तरीके की शिकायत करी गई है, बड़ा आरोप लगाया गया है सपा की तरफ से। सुबह से ही जो सरगर्मी है वो तेज हो रखी है, कई दिग्गज अपनी साख को बचाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। कई दिनों तक प्रचार प्रसार रहा, बीजेपी द्वारा कई दिग्गजों को उतारा गया, 9 जिलों की 59 सीटों पर बड़े बड़े चेहरे उतारे गए, वो बीजेपी की तरफ से भी सपा की तरफ से भी। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को, शिवपाल यादव को, सभी को उतारा चुनावी प्रचार के लिए। बीजेपी ने कई दिग्गजों को उतारा, उसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ सभी शामिल रहे। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए 2 संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं, अजहर और विभांशु, दोनों ही हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। विभांशु, सुबह से ही मतदान जारी, क्या कुछ देखने को मिल रहा है बूथों पर? जी शिखा, अगर बता दे तो इस लोकतंत्र के पर्व को पूरा बढ़ चढ़ के जो वोटर्स है वो हिस्सा ले रहे हैं और अपने मतदान का, मताधिकार का प्रयोग करने सुबह से निकल चुके हैं। वहीं बात करें तो सबसे पहले अगर दिग्गजों की बात करें, नेताओं की बात करें, बड़े चेहरों की बात करें तो सबसे पहले मतदान जो सपा सुप्रीमो है सुश्री मायावती, वो अपने मॉल एवेन्यू स्थित जो पास का पोलिंग बूथ था वहां जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग की और साथ ही साथ उनके ठीक बाद जो बसपा के महासचिव है सतीश मिश्रा, वो भी अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचते हैं और इसके ठीक बाद गोमती नगर स्थित पोलिंग बूथ पर राजनाथ सिंह और उनके पुत्र पंकज सिंह भी मतदान कर चुके हैं। वहीं अगर बात करें तो जो जो नवनीत सहगल है वो भी मतदान अपना कर चुके हैं और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर
प्रशांत जो है प्रशांत कुमार है और वो भी मतदान कर चुके हैं और साथ ही साथ तमाम बड़े चेहरे मतदान कर चुके हैं। वही अगर बात करें 9 बजे की आंकड़े की तो 9 बजे तक लखनऊ के अंदर में 8% मतदान हो चुका था और वही अगली रिपोर्ट जो है वो 12 बजे आने वाली है। और वही अगर बात करें तो जो डालीगंज स्थित गन्ना संस्थान है तो गन्ना संस्थान के अंदर में जो शुरुआती मतदान का दौर रहा तो लगभग 8 बजे से और 9 बजे के करीब वहां ईवीएम नहीं चल रहा था, जिसके बाद जो मतदाता है वो वहां शिकायत कर नारेबाजी के, जिसके बाद ईवीएम को बदला गया और इन सब दिक्कतों से निजात दिलाया गया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लखनऊ की हॉट सीट है सरोजनी नगर, वहां जो भाजपा के प्रत्याशी है राजेश्वर सिंह, उनकी तरफ से बताया गया है कि जो पुलिस प्रशासन है जो अंदर ड्यूटी में लगे हैं LPS जो सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हुए राजेश्वर सिंह ने बताया है कि ये समाजवादी के पार्टी के पक्ष में वोट डलवाने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद वहां जो चुनाव आयोग के जो अधिकारी होते हैं उनकी तरफ से काफी ऐसी जांच की गई और उसके बाद अभी मामला ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा है। वहीं सपा की तरफ से बताया गया है, सपा के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताया गया है कि सरोजनी नगर सीट पर बीजेपी के एजेंट अंदर बैठकर अब भाजपा के पक्ष में जब वो नोट करवा रहे हैं। अभी ये सब चीजें देखी जा रही है और चुनाव आयोग इस पर निगरानी बनाए हुए है। जी सिखा अजहर, सुबह से ही ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कई बड़े दिग्गज अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं, आज कई बड़े नेताओं की साख दांव पे लगी है, तो कौन कौन से ऐसे चेहरे जिनका जीतना काफी अहम माना जा रहा है वरना उनकी साख दांव पे लगी है? नगर काफी तरीके से बात की जाए, यहाँ पे राजेश्वर सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव में उतरे हैं, तो भी डायरेक्टर रहे हैं तो उनका भी काफी साथ मिलेगी। और इसके अलावा चाहे वो अभिषेक मिश्रा हो, पूर्व मंत्री है समाजवादी पार्टी में, इस बात सरोजे अगर जो समान अभिषेक मिश्रा की बात करती है तो कहीं ना कहीं तो बहुत बड़े कॉम्पिटिशन के तौर पर सरोजी नगर की जो हॉट सीट है यहाँ पर देखा जा रहा है। और यहाँ पर बूथों की अगर बात करें तो यहाँ पर सुबह से काफी लोग मतदान के लिए बहुत गए हैं, खास तौर पे युवा और महिलाओं को ज्यादा तौर पे देखा गया और काफी यहाँ पर पहुंच रही है मतदान करने। और इसके अलावा सरोजी नगर के कई ऐसे कई समस्याएं जैसे कि मुझे जिस तरीके से राजस्थान सिंह का जो बयान सामने आया उन्हें साफ तौर पे और इस चक्कर के जो आरोप लगाए हैं कि वो यहाँ पर दरवाजा पर बात कर रहे हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके ये जानकारी सरोजी नगर के बूथ है बूथ से बाहर निकाल दिया गया है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदर मौजूद है। उस तरह तमाम तरह का जो आरोप जैसे आरोप का दौर है वो लगातार जारी है। और इसके अलावा जिस तरीके से आपको बताते चले सरोजी नगर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से सालों साल सपा और बसपा का कब्जा रहा है। और बात करें 2017 की तो यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की थी, लगभग 1,00,000 वोट इनको मिले थे। इसके अलावा जिस तरीके से इस बार की बात की जाए तो कॉम्पिटिशन जो है वो काफी साफ है, क्योंकि सरोजनी नगर की जो सीट है वो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र कहलाती है, लगभग 1,10,000 ब्राह्मण वोट है। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से ब्राह्मण प्रत्याशी को भी उतारा है। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो राजेश्वर सिंह ने यहाँ की कमान संभाल लगती है, तो कहीं ना कहीं इस बार मामला काफी पेचीदा है सरोजनी नगर विधानसभा सीट की अगर बात करें। और इसके अलावा अगर मध्य सीट की हम बात करें कि जिस तरीके से वहाँ पर मध्य सीट में पिछली बार देखा गया कि ब्रिटिश पाठक को कमान सौंपी गई, वही इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कई सीटों पर फेरबदल भी किया, जिस तरीके से समीकरण निकल कर सामने आ रहे हैं इसके बाद काफी फेरबदल भी देखने को मिला, जिस तरीके से ब्रिटिश पाठक इस बार लखनऊ की गैर सीट पर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम जगह पर कई जगह पर छोटी मछली बिजनेस को लेकर की तमाम तरह की बातें सामने आ रही है, मछली में भी देखना पड़ रहा है। लेकिन खासतौर पर कृपा आपको बता दें कि समस्या के तौर पर इस तरीके से जो बुजुर्ग है उनको कई महिलाएं सामने आएंगी वहाँ पर जो अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर पहुंचे और लिस्ट में उनका नाम जरूर है लेकिन एड्रेस कहीं और का सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी भूल देखने को मिली है निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर निर्वाचन आयोग लगातार अपनी गलती सुधारने में लगा हुआ है। और इस तरीके से कई बूथों पर ऐसा देखा गया है कि लोग अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर पहुंचे हैं लेकिन इसके अलावा उनके नाम तो वही है लेकिन एड्रेस कहीं और दूसरे जिलों का दिखाया।
बिल्कुल कई समस्याएं तो देखने को मिल रही है बूथों पे। विभांशु, जिस तरह से इंतजाम किए गए, सुरक्षा के इंतजाम हो, कोरोना प्रोटोकॉल के इंतजाम हो, वो विकलांगों के लिए हो या फिर वृद्धों के लिए हो, तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या ये सही साबित हो रहे हैं? जी सिख, आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस की तरफ से हर एक मुमकिन बंदोबस्त को किया गया है कि पारदर्शिता के साथ मतदान हो सके, और हर एक पोलिंग बूथ पे अच्छे खासे मात्रा में फोर्स तैनात किया गया है। वहीं जो उराका दल के रूप में जो अधिकारी आला अधिकारियों को जो ऐसे जैसे छह बूथों के अंदर में एक एसडीएम की ड्यूटी लगाई है, जो बूथों का निगरानी करते रहेंगे और दौरा करते रहेंगे, वहां का हर एक जायजा लेते रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में इतिहास में पहली बार भारत के अंदर में विधानसभा के चुनाव में पोस्टल वैलेट का उत्तर प्रदेश के अंदर में पहली बार लाया गया कि पोस्टल वैलेट से वोट दिए जाएंगे। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि पोस्टल वैलेट में जो मतदान होना था वो विगत 3 दिन पहले हो चुका है, मगर हम ऐसे कई सारे बूथों पे गए जहां साफ तौर पे जो बुजुर्ग हैं वो वहां देखने को मिले, और पोस्टल वैलेट की जो दावे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे खड़ा कर रहे हैं। और अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग की तरफ से व्हील चेयर की सुविधा भी पोलिंग बूथ के बाहर बताई जा रही थी, दावे किए जा रहे थे, मगर अब तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। वहीं अगर बात करें तो ऐसे कई सारे विजुअल और ऐसे कई सारे लोग आकर जो मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद कुछ गड़बड़ियों से अपनी वोट को पोल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं। तो हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि अब तक जो कि 11 बज चुका है, 11 बजे तक जो बुजुर्ग हैं वो अच्छे खासे मात्रा में दिख रहे हैं। पोस्टल वैलेट जो आज से 2 दिन पहले मतदान हो चुका है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होते हुए नहीं दिख रहा है, ऐसा लोगों का कहना है, जो मतदाता है उनका कहना है। जी सिखा जी, अजहर, जिस तरह से पिछले बार के पिछले चुनाव के जो आंकड़े थे और इस बार के जो 9 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं, क्या देख के लगता है पिछली बार से कितने अलग हैं, और शाम तक कितने प्रतिशत वोटिंग हो सकती है? सुबह सुबह क्योंकि ज्यादा उत्साहित होते हैं लोग, अपने मत का प्रयोग करने के लिए जाते हैं, तो इन आंकड़ों को देख के क्या लगता है, अच्छी खासी संख्या में पिछली बार से ज्यादा वोटिंग होगी या कम? बिल्कुल सीधा आपको बताना चाहेंगे कि रूटे से पिछली बार की अगर बात की जाए 2015 में, तो कहीं ना कहीं इस बार जो उसका वोट रेशियो है कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आया। और करौली नगर विधानसभा की या राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो लगभग 9 बजे तक लगभग 8 से 9% जो वोट है वो पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से आपने कहा कि चुनाव का वक्त होता है, लोगों में काफी जोश होता है, लोग काफी वोटिंग करने आते हैं, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे लोकतंत्र का जो ये राष्ट्रीय पर्व है इसके तौर पे लोग देर से वोटिंग करने आते हैं। कहीं ना कहीं तरीके से देखा गया कि जागरूकता महिलाओं में हो चाहे वो युवाओं में हो, तो इस बार ज्यादा देखने को मिली, चाहे दूसरे और पहले दूसरे और तीसरे चरण की बात करें तो वोट रेशियो जो है कहीं ना कहीं पिछली बार से थोड़ा सा बढ़ा जरूर है। तो इस बार चौथे चरण की अगर बात की जाए तो लेकिन सुबह से करौली नगर के बूथ है, राजधानी लखनऊ के तमाम बूथ हैं वहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और काफी बढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और जिस तरीके से मतदान का जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती जा रही है, और जो दिन का समय होगा 3 और 4 बजे के बीच का, तो ये समय क्योंकि गर्मी का जो मौसम है वो थोड़ा सा बदलता नजर आ रहा है। तो इसके अलावा जो लोग हैं वो दिन में तो हो सकता है मतदान की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी धीमी पड़ जाए, लेकिन जिस तरीके से शाम ढलेगी जो बात का जो समय होगा उसमें फिर से वही रफ्तार देखने को मिल सकती है, जिस तरीके से सुबह देखने को जिस तरीके से जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, दोनों ही संवाददाता का हर एक अपडेट पर नजर बनाए रखिए और हमें जानकारी देते रहिए। हमारे साथ इस खबर पे लखनऊ से अजहर और विभांशु जुड़े थे। तो मतदान केंद्रों पे मतदाता जा रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, और 9 बजे तक के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं, अच्छी खासी संख्या में लोग पहुंच के मतदान कर रहे हैं। और जिस तरह से अपील करी गई है और इस बार नई पहल चलाई जा रही है कि जो भी पहला मतदाता मतदान केंद्र पे पहुंच के अपने मत का प्रयोग करेगा उससे वृक्षारोपण भी कराया जाएगा, तो ये एक अच्छी पहल थी। लोग सुबह सुबह पहुंचे और सुबह मतदान शुरू होने से पहले ही लोग मतदान केंद्रों पे पहुंच गए थे, तो एक नई पहल का असर भी देखने को मिला है। लोग जागरूक भी हैं, अपने मत की महत्वता को भी समझते हैं, क्योंकि अगर एक बार मतदान करेंगे मतदाता और उसका परिणाम उनको 5 साल तक देखने को मिलेगा, यानी कि अच्छा या बुरा जो भी परिणाम होगा वो आपके हाथ में होगा। अपने मत का प्रयोग जरूर करें, अपने मतदान को खराब ना करें, बूथ पर जाएं, अपने मत का प्रयोग जरूर करें, यही
जागरूकता जनप्रतिनिधियों द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, सभी के द्वारा दी जा रही है। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने किया मतदान, परिवार के साथ पहुंचे डॉक्टर दिनेश शर्मा, ऐशबाग के रस्तोगी इंटर कॉलेज बूथ पर किया मतदान। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, राजनाथ सिंह, मायावती, डॉक्टर दिनेश शर्मा, मोहसिन रजा, पंकज सिंह, अमरेश कुमार सभी मतदान कर चुके हैं। और इस समय हो रहा है 11 बज रहा है और अभी तक कई बड़े दिग्गज मतदान कर चुके हैं। और वहीं बात की जाए दिग्गजों के साथ साथ जनता की, तो जनता भी जागरूक है। फर्स्ट वोटर की बात करी जाए या फिर वृद्धों की बात करी जाए, बढ़ चढ़कर सब लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। काफी अहम दिन है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चुनाव हो रहा है। प्रचार करने के लिए सभी दिग्गज उतरे और उसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान की उम्मीद करी जा रही है। इस बार के चुनाव कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है क्योंकि जनता जागरूक भी है। कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा जनता को और कई लोग खुश भी हैं, कई लोग बदलाव चाहते हैं, तो कई लोग चाहते हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो और बेहतरीन काम करे। और 5 साल का समय कुछ लोग मानते हैं कि कम है तो और समय देना चाहिए, तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि 5 साल का समय बहुत था, अगर इसमें कुछ कमियां देखने को मिली है तो यानी कि आगे भी कमियां देखने को मिल सकती हैं। अलग अलग मतदाता का अपना अलग अलग मत है, अलग अलग विचारधारा है और उसी को देखते हुए आज जनता मतदान कर रही है। और इसी खबर पे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डीआर साहू जी जुड़ चुके हैं। डीआर साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है, कई बड़ी अहम सीटें हैं जिन पे आज मतदान हो रहा है, 9 जिले कई अहम हैं। अगर बात करी जाए लखनऊ की, तो लखनऊ की सरोजनी नगर और कैंट काफी अहम सीट है, तो जिस तरह से दिग्गजों की साख आज दाव पे लगी है, क्या देखते हैं? उत्तर प्रदेश की चुनाव 2022 की जो है बहुत ही रोचक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसकी वजह है कि इस बार जो है कोरोना के वजह से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हुआ और काफ़ी जो मोबिलाइजेशन था विभिन्न राजनीतिक दलों का जी। और जो सत्ता में हैं, जो विपक्ष में हैं, सभी सोशल मीडिया पे आए। हालांकि दिसंबर महीने में आपने देखा होगा जी। कि काफ़ी रैली वगैरह हुई है, उसमें हर राजनीतिक दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो गोरखपुर में, या भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो काफ़ी एक रोचक बन रहा था। लेकिन कोविड का रेस्ट्रिक्शन फिर हुआ जी। और उसकी वजह से फिर लोगों को सोशल मीडिया में आना पड़ा। और अब चरण की जो तृतीय चरण के बाद थोड़ी सी जो राहत मिली है, उससे चुनाव की प्रक्रिया को देखा जाए तो एक सकारात्मक है कि सोशल मीडिया में आने लगा और खर्चे जो है वो थोड़ा बहुत कम हुआ। लेकिन जहां चुनाव की बात करें तो इस बार 2022 की चुनाव जो है एक लहर विहीन चुनाव मैं कहता हूं। इसलिए कहता हूं क्योंकि लोगों की कहीं ना कहीं जो एक रुझान है, भले ही आपने देखा होगा एग्जिट पोल दिसंबर जनवरी में भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से सरकार में आने का एक तरह से संकेत दे दिया था, लेकिन जब प्रथम चरण और द्वितीय चरण और तृतीय चरण में हमने जो देखा और जो महसूस किया और विभिन्न रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पता चल रहा है कि कड़े से कड़े चुनौती समाजवादी पार्टी और RLD भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। और उसमें कुछ लोगों का मानना है कि इन लोगों का विपक्ष की काफ़ी दबदबा रहा और कुछ लोगों का मानना है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने को बहुमत की तरफ लाने में सफलता भी होंगे। साहू जी, अगर बात करें कोरोना की, जैसे कि आपने बताया कि कोरोना भी देखने को मिला है, तो क्या इसका पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा या नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा बीजेपी के लिए? क्योंकि बीजेपी कहती है कि हमने मुफ्त राशन दिया है, परिस्थिति को संभाला है, अर्थव्यवस्था को संभाला है, वहीं विपक्ष
जितनी मौतें हुई उनको भी निशाना उनपे उनको लेकर भी टारगेट करता है बीजेपी को, कई मुद्दे उठाता है, कई लापरवाही, तो किस तरह से देखते हैं, क्या सरकार ने इस परिस्थिति को सही से संभाला है, इसका असर इस चुनाव पे कितना पड़ेगा? देखिए चुनाव पे सीधे सीधे प्रभाव जो है 2014, 2017 और 2019 की चुनाव में आप देखेंगे एक करिश्माई नेतृत्व, माननीय मोदी जी की एक आकांक्षाओं की राजनीति और उससे एक आशा उसकी और काफ़ी बहुत सारी जो वादे थे उसकी वजह से ये लोग काफ़ी हद तक सफल हो पाए थे जी। और कहीं ना कहीं राष्ट्र एक धर्म मेजॉरिटी हिंदुत्व ये सब लेके काफ़ी हद तक ये लोग सफल हुए जी। लेकिन जहाँ तक 2017 के बाद 19 के बाद अब यदि आप 2021 की चुनाव में पश्चिम बंगाल को देखेंगे और जो चार और राज्यों में देखेंगे ऐसा प्रभाव नहीं दिख रहा है और बल्कि विभिन्न विपक्ष के दल जैसे कि तृणमूल कांग्रेस भले ही भारतीय जनता पार्टी बढ़त हासिल किया लेकिन तृणमूल कांग्रेस अपने को दोबारा आने में काफ़ी सफल रहे जिसमें कहीं ना कहीं और विभिन्न विपक्ष दलों का भी भूमिका रहे। तो एक मूड ऑफ द नेशन जो राष्ट्र की जो एक देश की जो एक मूड है उसमें दो बातें हैं, एक बदलाव लाने के लिए विपक्ष घेर रहे हैं और बदलाव इस राजनीतिक सत्ता में रहते हुए हम दोबारा आके बदलाव करेंगे ये भी जो सत्ताधारी पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी वो कोशिश कर रहे हैं जैसे कि डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं। ये बात सही है, उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों के तुलना में केंद्र सरकार से काफ़ी फायदा काफ़ी आर्थिक सहायता मिली है और बड़े राज्य है और बड़े राज्य की जो बात करें बल्कि एक भारत देश में एक ऐसी देश राज्य है जो कि अन्य विभिन्न देशों की तुलना में आ सकता है जी। तो हर व्यक्ति का ये निगाह है कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, उत्तर प्रदेश की चुनाव आने वाले 2024 के लिए 22 के बाद एक नैरेटिव्स या स्क्रिप्ट तैयार करेंगे जो कि 21 में थोड़ी बहुत झलक हमने तृणमूल कांग्रेस से देखा। अब पंजाब हरियाणा पंजाब है हमारी गोवा है हमारे मणिपुर है हमारे और विभिन्न राज्य जो चार पांच राज्य में उत्तर प्रदेश को लेके है उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूती से अपने को प्रस्तुत कर पा रहे हैं जी। एक महत्वपूर्ण है कोविड की वजह से माइक्रो मैनेजमेंट की बात है तो माइक्रो मैनेजमेंट में कुछ सफलताएं हैं जैसे कि आपने कहा सही केंद्र सरकार की जो राशन मुफ्त राशन की है ये तो एक आपको हर कोई सत्ता में हो जो भी सरकार होंगे उनको तो ये करना अनिवार्य है, इसमें कोई बाजा बजाने की जरूरत नहीं है, ये तो दिस इज ऑल ये एक्सपेक्टेड है जी। हर कोई विकास के कार्य करेंगे चाहे एक्स पार्टी आए या वाई पार्टी सत्ता में आए जी। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये कि विपक्ष का जो भूमिका होता है वो कमियों को गिनाए और कमियों को सामने लाए और उससे मतदान और मतदाताएं प्रभावित हो, उसमें बहुत सारे मुद्दे अब आ गए हैं जो कि उत्तर प्रदेश में 22 की चुनाव में विपक्ष के सामने घेरने के लिए बहुत सारे मुद्दे आ चुके हैं जी। चाहे वो जैसे कि अभी चौथा चरण में आपने देखा होगा लखीमपुर खेरी की जो घटना है जी। चाहे वो उन्नाव की घटना है तो चाहे वो आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी हिंसा की बात करें बहुत सारी ऐसी व्यक्तिगत घटनाओं की बात करें जो घटना हुई वो किसानों की बात करें तो ये सब मुद्दे विपक्ष को काफ़ी मजबूती दिया है और उसको ये आकलन करने की बात है ये मतदान व्यवहार में प्रभावित करेगा या नहीं करेगा जी। हम तो मानते हैं कुछ हद तक करेगा, साथ ही साथ माइक्रो मैनेजमेंट की यदि हम बात करें जी। 2019 में आपने सुना होगा कि कोविड के समय जो एक और भी था 2019 के चुनाव में कि जो पशु हैं वो खेत को नष्ट कर रहे हैं जी। अब इस तरह के क्षेत्र में आप देखेंगे चौथा चरण में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है बहुत सारे लोग प्रभावित हैं 2019 में लेकिन तो असर नहीं किया जी। लेकिन 2022 में विधानसभा के चुनाव में हमको ये कहीं ना कहीं एक प्रभाव डालने की बात हो रही है जी। और इसमें ये जो रिजल्ट है जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करने का बहुत बड़ी आशंकाएं हैं तो वो एक हो गया। साहू जी इस बार कई मुद्दे हैं
लेकिन पश्चिम बंगाल का जब चुनाव था उस टाइम कोई मुद्दा नहीं था, उसके बाद भी जिस तरह से ममता बनर्जी जीती, अखिलेश ने इनडायरेक्टली समर्थन किया ममता बनर्जी को, और उसका असर देखने को मिला कि ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश आके उनका समर्थन कर रही है, तो क्या इसका भी कोई असर पड़ सकता है? देखिए, विपक्ष के सभी लोग इस बार जो है अलग अलग लड़ रहे हैं जी। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की जो सरकार में है, तो वो तो एक आपस में एक आपसदारी बात है कि आपने हमको मदद किया, हम आपको मदद करेंगे जी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की एक नैतिक समर्थन तो ठीक है जी। लेकिन इनका समर्थन से उत्तर प्रदेश में प्रभाव का नैरेटिव्स बनना अभी तो हम कह सकते हैं अभी इसके बारे में बात करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें इतना कोई असर दिख नहीं रहा है। बल्कि ये है कि हाँ, एक एक 21 में जो सरकार सत्ता में आए उनकी जो एक करिश्माई नेतृत्व पश्चिम बंगाल में ममता जी आई, तो उनकी समर्थन से थोड़े बहुत मनोवैज्ञानिक रूप में मतदाताओं को ये एक असर डाल सकता है कि हाँ भाई, अब उत्तर प्रदेश में भी बदलाव की, जैसे कि उन्होंने कहा खेला होबे वहां पे, ये लोग कह रहे कि ढकेला होबे, ये जो भी व्हाट एवर दे आर सेइंग, तो उसमें ये बात इसमें एक आ चीज आ रहा है कि मतदान व्यवहार में, चुनाव के प्रक्रिया में, जो उत्तर प्रदेश में इस बार 2019 का, 2022 का, 2017 का जो लहर और जो झुकाव एक माहौल दिख रहा था, 2022 में कहीं हमको दिख नहीं आ रहा है, ये कहीं हम लोगों को दिख नहीं पा रहे। लेकिन डीआर साहू जी, अभी भी हम ये मान सकते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए ये सब किया जा रहा है, कई दलों के साथ गठबंधन करा गया सपा ने, और अब जिस तरह से ममता को भी उतारा गया उत्तर प्रदेश में, तो अभी भी कहीं ना कहीं मजबूत है बीजेपी, उसको हराने के लिए ये कोशिश है कि बाकी दलों को अपनी तरफ कर लेना, दूसरी पार्टी के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के आए तो उनको अपनी पार्टी में जोड़ लेना, तो कहीं ना कहीं अभी मजबूती दिख रही है और अपनी पार्टी को मजबूत करने में सपा लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश नहीं, भारतवर्ष में एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में अपने को प्रतिष्ठित कर चुका है जी। और उसके पीछे करिश्माई नेतृत्व और संगठन, जो कि सांगठनिक ढांचा और उनका जो माइक्रो मैनेजमेंट बूथ प्लान है, बहुत सारे जो कार्यक्रम के आधार पर जो सहभागिता और लोगों के साथ कनेक्ट करना, हर तरह से ये लोग आगे हैं जी। और उसके साथ साथ उनकी जो विभिन्न राज्यों में, विभिन्न देश जो उसमें एक अपनी करिश्माई नेतृत्व के माध्यम से मोदी जी एक सफल नेतृत्व के रूप में जो आना, कि उनके सामने विपक्ष की जो है उसमें कहीं ना कहीं एक असमंजस है कहीं ना कहीं, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात वो है कि उत्तर प्रदेश की चुनाव, भारतवर्ष की अगला जो 2000 लोकसभा की चुनाव है 2024 में जी। उत्तर प्रदेश में यदि कांटे की जो एक कड़ी चुनौती है, जैसे कि हमारे हिसाब से उत्तर प्रदेश में चुनाव का रुझान आज की तारीख में कुछ नहीं कहा जा सकता है, चौथी चरण में तो मेरे को लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में चौथी चरण में भारतीय जनता पार्टी की थोड़े बहुत बेहतर करेंगे, प्रदर्शन करेंगे पहला द्वितीय तृतीय चरण के मुकाबले, और ये कहने की मतलब है कि बहुत कड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को, और ये आकलन करना 10 मार्च में तो पता चल ही जाएगा, लेकिन ये है कि इस बार चुनाव बड़ी इंटरेस्टिंग है, और जो भी होगा ऐसा भी नहीं होगा, एक दो पक्ष है, एक कह रहे हैं कि जो आकलन करते हैं वो लोग कह रहे हैं कि या तो उसी तरह की रिपीट होगा कि समाजवादी पार्टी और RLD बहुमत से आ जाएंगे और ये लोग 100 से नीचे आ जाएंगे, एक ये भी बात हो रही है। दूसरी बात ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से अपने को बहुमत में ला सकते हैं, और जो विपक्ष है वो भी पीछे नहीं है, जैसे कि हम बिहार की चुनाव की बात करें जी। तो ये भी एक स्थिति हो सकता है। साहू जी, बात करी जाए पिछले चुनाव की, जब सपा ने सभी पार्टियों से गठबंधन कर लिया था, बड़ी बड़ी पार्टियां एक तरफ हो गई थी, बीजेपी एक तरफ हो गई थी, लेकिन उस टाइम मोदी योगी लहर थी, और उस टाइम ये देखा गया था कि सपा को अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी और बीजेपी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार वो लहर कम है। और अगर देखा जाए तो कांग्रेस अलग है और सपा के साथ BSP भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दल है और कुछ बड़े चेहरे सपा की तरफ चले गए हैं, लेकिन इस बार आकलन करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है कि किसकी तरफ सत्ता जाएगी, क्योंकि इस बार
किसान प्रदर्शन का भी असर पड़ा है। पहले तीन चरणों के जो हमने चुनाव देखे तो उनमें किसान वोट बैंक बहुत ज्यादा थे, तो इसका भी असर पड़ सकता है। लेकिन आने वाले जो बाकी के चरण हैं उनमें धर्म से जुड़े मुद्दे भी हैं, वो अयोध्या काशी भी है और काफी अन्य मुद्दे भी हैं, तो इसको देखते हुए काफी मुश्किल हो रहा है इस बात को समझना कि किसकी तरफ जनता का रुझान है। आपको क्या लगता है? देखिए, काशी, अयोध्या और मथुरा जी, ये सारे बातें ठीक है, उसमें ये लोगों को प्रभावित करता है क्योंकि मेजॉरिटी हमारे हिंदू हैं जी। और लेकिन इस बार जो है, और एक इंटरेस्टिंग बात है, फिर हम पीछे चले गए चुनाव की प्रक्रिया में, जो जाति बिरादरी एक महत्वपूर्ण होता था जी। और पिछले बार 2017 और 19 और 2014 में आपने देखा होगा कि एक राष्ट्रीय दल के रूप में उन्होंने जाति के विशेष में, जाति के आधार पर चुनाव नहीं हुआ था जी। बल्कि कहीं ना कहीं एक हर किसी दल, इवन हमने देखा है कि बहुत सारे मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे, इस तरह से था, जिसमें कि इतने नहीं तो फिर कहां से आया जी। लेकिन इस बार जो चुनाव है 2022 की, इसमें जाति बिरादरी और जो ओबीसी, नॉन ओबीसी, छोटे छोटे जातियों का एक समीकरण काफी प्रभाव होगा। दूसरा, एक विकास की आकलन, यदि विकास उनको पहुंचा है और योजनाएं पहुंचा है तो उससे लाभार्थी देखेंगे। तीसरा ये है कि जो माइक्रो मैनेजमेंट है विधान, जो जो भारतीय जनता पार्टी की जो सांगठनिक मजबूती है और संसाधनों की मजबूती है, वो कहाँ तक सफल हो पाएंगे, तो बात वो नहीं है। चौथे चरण के बाद आप यदि देखेंगे अगला चरणों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी टक्कर दिया जा रहा है, लेकिन ये अवध क्षेत्र है और जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो चरण आ रहे हैं उसमें आज की जो चुनाव है उसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दबदबा रहेगा जी। लेकिन प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण में थोड़ी सी गड़बड़ा गया है और बड़ी चुनौती मिली है, ये एक संभावना है जी। इस बार युवा वोटर भी बहुत ज्यादा है और माना जा रहा है कि वो भी काफी नाराज है क्योंकि रोजगार का मुद्दा भी उठ रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और कई ऐसी योजनाएं ला रहे हैं जिससे बढ़ाया जा सके, वो मुख्यमंत्री द्वारा भी कई ऐसी योजनाओं की बात करी गई है समय समय पर, लेकिन विपक्ष रोजगार का मुद्दा उठा रहा है, जिस तरह से प्रदर्शन हुए इसका कितना असर मानते हैं? देखिए, 2019 के बाद और 2017 के चुनाव के बाद 2019 तक सरकार ने जो काम किया जी। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अब सभी सरकार 2020 से मार्च से लेकर 2022 मार्च तक, ये दो साल जो है वो हर कोई राजनीतिक दल जो सत्ता में है उनको प्रभावित किया है, चाहे वो केंद्र हो, चाहे विभिन्न राज्यों में, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे और, तो वो जो विकास की जो प्रक्रिया है वो तो कहीं ना कहीं एक कंप्यूटर में, जैसे हम लोग रिबूट करते हैं, एक बार कोई हैंग हो गया तो हम दोबारा रिबूट करते हैं, इसी तरह से हमारी सामने, दुनिया के सामने, देश के सामने, राज्य के सामने, सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है जी। और उसके साथ साथ जो युवाओं की असंतोष की बात करते हैं, युवाओं की असंतोष, मैंने आपको कहा था जी। कि 2017 में जो चुनाव हुआ था और 14 में जो चुनाव हुआ था और 19 में जो चुनाव हुआ था, एक आकांक्षाओं की राजनीति था कि हाँ भाई कुछ हो सकता है, अच्छे हो सकता है, इनके नेतृत्व में बहुत सारे कुछ हो सकता है। लेकिन जब जो नौकरी है, महंगाई है और बेरोजगारी है, इन सबको खाली ये नहीं कह सकते कि भाई इन लोगों ने नहीं किया, ऐसे देखा जाए कि बहुत सारे राज्यों में जो चुनाव की प्रक्रिया को घेरने के लिए और राजनीतिक दल इसकी इसी बात करेंगे जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक प्रक्रिया जो है एक राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पर किया जा सकता था, लेकिन इसमें घेरने की भी संभावना है और खासतौर पर युवा असंतोष एक कारण बन सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से एक महिलाओं की जो मुद्दे उठ के आ रहे हैं वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जिसमें कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो सारे राजनीतिक दल इसकी बात करते हैं जी। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो बात है उसमें देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण बिजली की बात कर रहे हैं, ये सारे चीजें जो है
इवन समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने इनको कहा कि भी हम भी करेंगे, किसानों को ये करेंगे, पेंशन की बात करेंगे, ये सारे जो है इवन भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारी बातें कहे गन्ना के लिए। स्कीम है साहू जी तो वो बीजेपी भी ले आई है सामने, जनता के सपा भी ले आई है और आम आदमी पार्टी का तो ये मॉडल रहा ही है दिल्ली में, लेकिन क्या ये फ्री वाला जो कार्ड है ये संभव है, क्या इसको जमीनी स्तर पे उतारा जा सकता है, इसका प्रभाव कितना पड़ेगा? बिजली सबसे महंगी मानी जाती है उत्तर प्रदेश की और इसका असर कितना पड़ेगा चुनाव पे? देखिए प्रभाव तो जरूर पड़ेगा क्योंकि आम आदमी के लिए ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट बात है, उनके लिए बिजली का बिल, उनके लिए ऋण का माफ, इनके लिए जैसे कि आपने देखा होगा राशन का मुफ्त मिलना, ये बहुत असर करता है, ये बहुत असर करता है। और इसमें आपने देखा होगा जो घर घर में पानी जा रहा है, ये सब जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और इसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी भी इसमें काम कर रहे हैं और विपक्ष भी अपनी अपनी इश्तहार के माध्यम से, अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से इसको लुभाने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जो असंतोष है वो असंतोष मतदान व्यवहार को प्रभावित कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या जो केंद्र जो राज्य सरकार अभी भी है दोबारा आना चाहते हैं उनकी योजनाएं के माध्यम से लोगों की जो लाभ लिए हैं वो उसकी असर पड़ेगा जिससे कि वो कहेंगे नहीं यही आना चाहिए जी। तो ये देखने वाली बात है। लेकिन विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दा घेरने के लिए और मतदान व्यवहार करने के लिए एक एक बहुत मुद्दे हैं उनके पास, लिखने वाली बात है, आकलन करने वाली बात है, 10 मार्च को पता चलेगा कि मतदान व्यवहार किस तरफ गया है जी। हमने भारतीय जनता पार्टी और सपा की बात तो कर ली, लेकिन कांग्रेस और बीएसपी भी कहीं पीछे नहीं है, हालांकि कुछ कमजोर नजर आ रही है लेकिन इनके खाते में भी अच्छे खासे वोट बैंक जाते हैं, तो इनको आप कहां देखते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत बड़ा रोचक विषय है आपने कहा कि भाई कांग्रेस अपनी स्क्रिप्ट तैयार करना शुरू कर दी, संगठनिक मजबूती ला रहे हैं और कहीं ना कहीं एक संदेश इस 2022 की चुनाव में 2017 से 22 तक एक विपक्ष की भूमिका निभाने में समर्थ सफल रहे, ये बात तो बिल्कुल हम मान सकते हैं। दूसरा ये कहा जा सकता है कि जो जो प्रियंका जी इसको नेतृत्व लेते हुए आगे आने लगे, थोड़ा सा उनको तैयारी और पहले से करना चाहिए था, और जो कि ये एक मूड को बहुत बेहतर बना सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने किया है और एक सिंबल के नाम पे एक नई अस्मिताओं को उभारने की कोशिश की और महिलाओं को भागीदारी, महिलाओं को जो एक स्लोगन दे के मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बहुत ही अच्छी एक नई अस्मिताओं की उभार जो है, हालांकि उत्तर प्रदेश में चुनाव में कितनी प्रभावित करेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जरूर इनका वोट परसेंटेज बढ़ेगा। जहां तक बहुजन समाज पार्टी को आप कभी भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी उनके पास एक वोट बैंक है और उनके पास एक समीकरण है, उनके पास एक सोशल इंजीनियरिंग है, लेकिन ये कितना कारगर हो रहा है क्योंकि उनका वोट जो है वो साइलेंट है, बहुत ही साइलेंट तरीके से होता है, और इसमें कहीं ना कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी को भी अपने जो चुनाव में ये सफलताएं हो सकता है उनको इतनी नहीं मिलेगी जो सत्ता में आने की, लेकिन यह है कि उनकी भी एक प्रेजेंस, इनकी जो उपस्थिति है वो रहेगी, और जहां तक कांग्रेस की भी उपस्थिति और उनके वोट परसेंटेज जरूर बढ़ेगा। तो साहू जी जिस तरह से सबसे बड़ी दो पार्टियां मानी जाती हैं देश की, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, और कहा जाता है कि कांग्रेस की भूमिका कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पे कमजोर पड़ती जा रही है, तो जो ये राज्य के चुनावों के लिए तैयारी कर रही है तो क्या इसके केंद्र में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं कांग्रेस को, क्योंकि तैयारी तो पहले से ही करी जाती है किसी भी चीज की हो, तो जो ये चुनाव की तैयारी इस बार देखने को मिली है मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इसका परिणाम अच्छा ना हो, लेकिन केंद्र के जो आगामी चुनाव है उसमें इसका असर कितना पड़ सकता है? देखिए 2019 के चुनाव के बाद 2024 में जो चुनाव होगा, मान लीजिए ये पांच राज्यों में ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाए जी। तो कहीं ना कहीं 2024 को प्रभावित कर सकता है जी। कि वो लोग एक दोबारा एक आशा की एक होप के साथ कांग्रेस में मजबूती नहीं ला पाएगा। मान लीजिए 2022 के चुनाव पांच राज्यों में रिजल्ट जो है जो बेहतर नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश खास तौर पे यदि हाथ से निकल गया जी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक मजबूती से एक राष्ट्र केंद्र सरकार की
जो केंद्र की चुनाव जो को जो 2024 की चुनाव को बहुत अच्छी तरह से उनको प्रभावित करेगा। और जो एक और एक उसमें एक प्रश्न है, सवाल है कि एक नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी ये एक जो एक संगठन के रूप में नेतृत्व ममता जी के माध्यम से एनसीपी को लुभाने के लिए, तेलंगाना को निभाने के लिए जो प्रयास है जी। और वो भी देखने वाली बात है कि अभी आकलन तो कर नहीं सकते, लेकिन ये है कि एक ये भी एक पहल है जी। जिसमें बहुत सारे क्षेत्रीय दल जो है किस तरफ से जा रहे हैं, और यदि ममता जी उधर जाएंगे, मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार सपा के अखिलेश जी के नेतृत्व में आ रहा है, तो ममता जी के साथ वो रहेंगे, कैसे होगा क्या होगा वो तो समय की बात है, लेकिन ये भी एक है कि कांग्रेस को चुनौती देने के लिए एक थर्ड फॉर्म अल्टरनेटिव एक विकल्प के रूप में एक एक प्रयास भी है। तो इसलिए कांग्रेस को अभी आकलन करना एक मजबूती के रूप में 2024 में, अभी इसके लिए अभी समय है। 2022 मार्च 10 मार्च के बाद या इस मार्च अप्रैल के बाद ये देख सकते हैं हम लोग किस तरह से वो तैयार हो रहा है जी। अगर बीएसपी की बात करी जाए तो जिस तरह से मायावती गायब रही हैं और माना जा रहा है उनके जो वोट बैंक है उसका बिखराव हो गया, हालांकि अभी भी उनके साइलेंट वोटर उनके साथ में है, लेकिन किस तरह से देखते हैं मायावती इस बार कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि अमित शाह का भी ये बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मायावती के वोटर्स उनके साथ हैं, उनको मुस्लिम वोट बैंक का भी अच्छा समर्थन मिलेगा, इस बयान को किस तरह देखते हैं? नहीं, वो तो मुस्लिम वोट तो उनको नहीं मिल रहा है जी, मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ उनके जो सोशल इंजीनियरिंग है, उनका जो दलित वोट है उनके साथ है जी। और ये देखने वाली बात है कि दलित वोट और उनकी जो वोट बैंक है कहीं शिफ्ट तो नहीं हुआ कि समाजवादी पार्टी की तरफ या भारतीय जनता पार्टी की तरफ, वो देखने लायक है। लेकिन मेरा ये आकलन है कि जो पिछले 2017 में जो उनका आकलन था जी, उसी तरह से लगभग वही रहेंगे। मेरा एक सवाल और है साहू जी कि जिस तरह से ये बयान सामने आया है, तो क्या ऐसा भी संभव है कि इस चुनाव के बाद अगर बीएसपी के पास और बीजेपी के पास अच्छे खासे वोट आते हैं तो क्या भविष्य में इनका गठबंधन भी हो सकता है, क्योंकि ये बयान काफी अहम भी माना जा रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्टिव बयान में जा रहा है बीजेपी का जो ये बयान आया है कि अच्छा खासा वोट बैंक मिलेगा मायावती को, किस तरह देखते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज, राजनीति जो है एक संभावनाओं की बात है, हर चीजों में ये होती है, क्योंकि पहले की तरह आज की तारीख में कोई वैचारिक जो स्टैंड है, आइडियोलॉजिकल स्टैंड है जो वो है वो अब नहीं है। अब सत्ता को लेने के लिए जो भी राजनीति है वो सब आप देख रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं, तो उसमें कुछ भी संभव है जी, कुछ भी संभव है। इस तरह से ये भी है, मान लीजिए अखिलेश जी को भी कुछ 180 तक आ गया और कांग्रेस भी उनको समर्थन करने लगे, हो सकता है बहुजन समाज पार्टी भी समर्थन कर जाए, ये कोई कह नहीं सकता अभी जी। आज लखनऊ में चुनाव हो रहे हैं, लखनऊ की दो सबसे अहम सीटें हैं सरोजनी नगर और कैंट की, इसके लिए काफी बवाल भी हुआ, तो किस तरह देखते हैं कि इसमें जो सीधी टक्कर देखने को मिल रही है कौन ज्यादा आगे दिख रहा है? देखिए, लखनऊ शहर में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती तो है और समाजवादी पार्टी भी कुछ पीछे नहीं है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को तीन या चार सीट के नुकसान हो सकता है, ये भी बात हो रही है, लेकिन ये है कि अब देखने वाली बात है कि क्योंकि लखनऊ में अक्सर आपने देखा होगा इस क्षेत्र में मतदान जो है बहुत कम होते हैं जी। और वो एक उसका हर कोई कहता है कि शहरी मतदान और गांव के मतदान में अलग होता है और मतदान की उत्सुकता गाँव में ज़्यादा रहता है, शहर में कम रहता है, तो उस हिसाब से हम कहेंगे कि लखनऊ में जो 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 कांटे की टक्कर है वो उसमें भारतीय जनता पार्टी भले ही बढ़त है, लेकिन उनकी नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है जी। और बाकी जैसे रायबरेली में भी आज चुनाव है, रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, तो यहाँ पे भी बदलाव देखा गया है, क्या यहाँ से कांग्रेस को कुछ उम्मीद है? रायबरेली में कांग्रेस की उम्मीद तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए वो स्मृति ईरानी जी के आने के बाद जो वहाँ की क्षेत्र में थोड़ी सी जो एक भारतीय जनता पार्टी की जो एक नई कहानियाँ शुरू हुई है जी। वो 2019 में तो सफल हो पाया, लेकिन जहाँ तक 2022 की बात करें तो उसमें अभी देखने लायक है कि
क्या वही चीज़ मेंटेन हो पाया कि नहीं हो पाया। तो उसमें मेरे को लगता है कि जो जानवरों का कहानी, जो जो खेत का नष्ट करना और महंगाई की बात करना, युवा असंतोष की बात करने, बेरोजगारी की बात करना, और ये सारी चीज़ें प्रभावित कर रही है। ये जो क्षेत्रीय स्तर पे जो आकलन हमारे पास आ रहा है कि लोगों में सवाल उठे हैं, बहुत सारे लोग सवाल करने लगे कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इस तरह से क्या हुआ। जैसे कि कोविड मैनेजमेंट की भी बातें कहीं ना कहीं आ रही है, लेकिन ये देखने लायक है कि ये मतदान में क्या हो रहा है, ये बहुत अभी कहना मुश्किल है। जी, सबसे ज्यादा मुद्दे इस बार के प्रचार में उठाए गए, बीजेपी की तरफ से अपराध खत्म किया और अपराधियों पे लगाम लगाया, भ्रष्टाचार खत्म किया, तो क्या सच में पहले के आंकड़े अगर देखे जाए, इस बार के आंकड़े देखे जाए, तो क्या बदलाव है? पिछली सरकारों पे भी निशाना साधती हुई नजर आती है बीजेपी, तो पिछली बार की सरकारों से, वो चाहे बसपा का कार्यकाल हो, सपा का कार्यकाल हो, हमने बीजेपी का भी 5 साल का कार्यकाल देख लिया है, तो कितना बदलाव लगता है आपको? लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी मोदी और योगी सरकार है, ये बात सही है, लॉ एंड ऑर्डर में बेहतर हुआ है जी। और सुरक्षा की बात करें, लेकिन कुछ छुटपुट घटनाएं भी है जिसमें लोग, चाहे उन्नाव है, हथरस है, चाहे वो आपकी लखीमपुर कहानी घर घटना है जी। ये सब बातें छोड़ के भी एक एक समाज के उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये लोगों का ये भी कहना है कि कल्याण सिंह की तरह समय में जो सरकार के लॉ एंड ऑर्डर था, बहुजन समाज पार्टी मायावती की समय में जो लॉ एंड ऑर्डर था, वो इनसे बेहतर था, ये एक परसेप्शन है। और जहाँ तक जो आतंकी घटनाएं हैं, तमाम चीज़ें हैं, दंगा है, ये सब तो कम हुआ है, इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने को उसको लेके मार्केट करना और बाजार में बताना या लोगों को बताना, इसमें कोई दोहरा नहीं है, अच्छा हुआ है, वो एक उनका एक स्ट्रेंथ है। विकास की बात करें तो लोगों को विकास बीएसपी और सपा का समझ में आता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उस टाइम सड़कों को चमका दिया गया, शहर की एकदम सूरत बदल दी गई, तो क्या इस बार कुछ कमी रही है विकास में? क्योंकि दावे तो बीजेपी की तरफ से भी करे जाते हैं कि हमने भी कई हाईवे बनाए हैं, मेट्रो चलाई है, बहुत सारे काम गिनाए जाते हैं, तो कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, हर कोई सरकार में जो आएंगे वो तो विकास की कार्यक्रम करना उनका महत्वपूर्ण कार्य है जी। और उसमें हम कहेंगे, उसी को हम कहेंगे कि मैं जैसे कि एक विश्वविद्यालय में शिक्षक हूँ और मैं कहूँगा कि मैं रोज पढ़ा रहा हूँ, अरे भाई मैं रोज पढ़ाने के लिए तो आया हूँ, तो इसमें कौन सा गिनाने की बात है भाई, तो वो तो आपका काम ही है, आपको करना है। विपक्ष का भूमिका है कि ये जो कर नहीं रहे उनको घेरना जी। अगर बात करें जो ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा हुआ? देखिए, ये आकलन हम सब जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की कार्यक्रम, जो विकास के कार्यक्रम में हर सरकार ने अपना अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जो आधारभूत संरचना है उसमें कहीं ना कहीं जो एक विद्युत की बात करें, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, तो उस समय कांग्रेस के समय में एक राजीव गांधी विद्युत इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा था, उसमें भी कुछ हुआ। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के समय में भी कुछ सारे काम हुआ है, इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ काम हुआ है, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है। तो उसमें आपने देखा होगा कि कार्य तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर प्रोसेस है, कौन अच्छा किया कौन, लेकिन जो वादे हम करते हैं, जो इश्तहार में हम बात करते हैं, उसके साथ हम यदि खड़े नहीं उतरते हैं या हम उसको नहीं कर पाते, तो फिर आपको लोग घेरेंगे, चाहे लोग घेरेंगे, समुदाय घेरेंगे, या विपक्ष अपनी राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से घेरेंगे। और ये एक लोकतंत्र की एक खूबसूरत प्रक्रिया है, ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी, कि यदि आप परफॉर्म करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। बिल्कुल, राजनीतिक विश्लेषक डीआर साहू जी, जिनसे हमने पिछले चुनावों से लेके इस बार तक के चुनावों पे पूरी चर्चा करी, जनता के मुद्दों को उठाया, कितना बदलाव हुआ है पिछली सरकारों में, जो दावे वादे किए जाते हैं, हमने सभी चीजों पे मंथन किया, राजनीतिक विश्लेषक से जाना, उनके विचार जाने, और
जाना कि कितना विकास हुआ है। विकास तो सभी के कार्यकाल में हुआ है, कुछ नाराजगी हर किसी के कार्यकाल में जनता को रही है, तभी सत्ता का परिवर्तन भी हुआ है। अगर नाराजगी ना होती जनता को तो शायद कोई एक ही सरकार रहती, लेकिन जनता बदलाव चाहती है क्योंकि जनता विकास चाहती है। जनता के अपने अपने मुद्दे हैं जिनको देख के जनता सरकार बनाती है और बदलती है। हमने इन सब चीजों पर चर्चा की। आज चौथे चरण का मतदान है, काफी अहम है, और यहाँ आज 9 जिलों की 59 सीटों पर चुनाव हो रहा है और लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।